हे गाइस, वो हमारी यात्रा हो रही है जहाँ से शुरू। ये देखिए पहाड़ पीछे, क्या नजारा है। ये देखो पहाड़, नजारा आ जाता। ये थला देखो कनाड़ लावा लोकें। ये देखो कैल्शियम सी साड़ा ज्यादा थले थले, बंदा नहवा दा कोई। सुबह सुबह हम हैं पुंछ मंडी में। मैं श्री बाबा बुढ़ा बनाते दर्शनों के लिए, तो मेरे साथ है पंकज, ये नंगा, और ये रजत, ये है अक्षय। हाय गाइस। तो अभी हमारी सुबह हो रही है और टाइम हो रहा है यहाँ का, क्या टाइम हो रहा है, 8:30 के आसपास होगा। तो अभी हमने ब्रश वगैरह शुरू कर दिया करना और लेट हो गए हैं, बाकी वाली यात्रा चली गई आगे। तो अभी सोच रहे हैं यहाँ पे एक नेचुरल वाटर का सोर्स है, यहाँ पे पंकज नहा रहा है, यहीं पे हम भी नहाने वाले हैं। और पानी काफ़ी ठंडा है, यहाँ की ब्यूटी है, ये देखो नेचुरल ब्यूटी है पूरी। ये अंकल जी कुछ बोल रहे हैं। रजत को ठंड लग रही है, रजत नहाने नहीं वाला बोल रहा है। नहीं नहाऊंगा सर, मैं पक्का नहाऊंगा। हाँ जी हाँ जी, लोकल ही लोकल लोकल है। तो ये है यहाँ का व्यू, और यात्रा यात्रा जितनी भी है सारी चली गई आगे। तो यहाँ से काफ़ी नज़ारा है बढ़िया, अगर आप आगे तक देखेंगे काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ये जो नज़ारा देखने को मिल रहा है। और हम रात को आए थे, तो रात को मैंने वीडियो शूट नहीं करी। अभी दिखा रहे हैं यहाँ का व्यू जो है, बिल्कुल काफ़ी मज़ेदार है, हरियाली हरियाली, मतलब आंखों को सुकून देने वाली है। यहाँ के जो झरने हैं, नहाएंगे यहाँ, मज़े करेंगे। रजत कुछ बोल रहा है, क्या ढूंढ रहा है? देख कुछ अक्षय को ठंड लग रही है, और ये हाथी बड़ा ठंडा पानी है। ओहो हो, नांदा आईया नांदा आईया। तो अभी हम नहाने वाले हैं, यहाँ पे काफ़ी ठंडा पानी है, नहाएंगे यहाँ। तो अब जाएंगे दर्शनों के लिए आगे, आगे दर्शन करके फिर वहाँ आगे का वीडियो अब कंटिन्यू स्टार्ट करते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए नहा लेते हैं। अभी हम नहा के बेले हो चुके हैं, तो बस अब जा रहे हैं सीधे दर्शनों के लिए। और अक्षय नहाया नहीं है, बिल्कुल झूठा बंदा ये, हमारा ड्राइवर ही आया था, ड्राइवर आया इसने, बट ये नहाया नहीं है। और बेसिकली सुबह हम फ्रेश हो चुके थे, बट यहाँ देखा कि पानी बड़ा अच्छा, ये झरना था यहाँ, ये ऊपर से आ रहा है बिल्कुल, नेचुरल वाटरफॉल है बिल्कुल। और यहाँ हम रुके थे थोड़ी देर के लिए, फिर से फ्रेश होने का मन कर लिया। और ये मेजर साहब हमारे दिल का साफ होना चाहिए, शरीर करते हैं अभी हम जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा रह गया कोई 1 किलोमीटर आगे, और मार्केट है छोटी सी, यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा अभी, सुबह सुबह खुली भी नहीं है, बिल्कुल बंद ही है। मैं कहता हूँ वो किसी ने सच कहा है कि अगर कहीं दुनिया में जन्नत है तो यही है। यही कहाँ है भाई सब, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ देखिए? यही है, बिल्कुल यही है, बस आगे थोड़ा सा 2 किलोमीटर दूर है। एक चीज़ नोटिस करी आपने, यहाँ बेकरी की शॉप्स कितनी ज़्यादा है, बेकरी होती बड़ी है बेकरी, ये यहाँ क्योंकि लोग यहाँ ना, यहाँ की मेजोरिटी जो है मुस्लिम है, और मुस्लिम लोग भी मतलब मिसी रोटी और जो है ना ये बंद वगैरह। मिसी रोटी क्या होती है? मिसी रोटी होती है सही, छोटी छोटी रोटियाँ बनाई जाती है, तंदूर में पकाई जाती है, टेस्टी होती है काफ़ी, और इसको नमकीन चाय के साथ खाया जाता है। तो आज अक्सर अच्छा टेस्ट करेंगे आज हम सारे। अपने मंदिर बिल्कुल ये जस्ट पहुंच चुके हैं यहाँ पे हम। हाँ आगे जाते जाते ऊपर जाते 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 पार्किंग सुधरी है ना। अरे कोई ये है एंट्रेंस मेन गेट यहाँ, और जान दो जान दो जान दो
जान दो ऊपर आगे बात नहीं। मेन एंट्रेंस यहाँ से है, ये जो सामने है यहाँ से ये। अभी हम पहुँच चुके हैं बस पार्किंग वाली जगह, तो गाड़ी यहाँ सामने पार्क करानी है पेड़ों के पीछे। पीछे काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और ये जो है जो लोगों की आवाज़ाही देख रहे हो, इतने सारे लोग हैं जो दर्शन कर चुके हैं। यही है वो पार्किंग एरिया, यहाँ ये जो हेलीपैड का बना हुआ है, उस तरफ बसेस लगी हैं और ये आर्मी कैंप रहती है सारी जगह। वैसे कोई यहाँ आ नहीं सकता, बट क्या है कि यात्रा के टाइम के लिए हमने सबके लिए खोल के रखी है। इतनी सारी बसेस हैं सामने देख रहे हो पार्किंग एरिया। ये जो काफ़ी बाहर से गाड़ियाँ भी आई हुई हैं और कुछ लोग यहाँ से जा भी रहे हैं। बिल्कुल 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 ये गाड़ियाँ ऊपर। भाई साहब क्या पहाड़ियाँ ऊपर तक देखो, और मौसम क्या मस्त है। अच्छे जूते उतार रहा है इधर ही, दिल्ली की गाड़ी सामने लगी एक हिमाचल प्रदेश की। क्या किया तुमने? 1500 के नए शूज़ लिए थे भाई। तो आप क्या लेना चाहता कि नंगे पैर गाड़ी नहीं चलती। ठीक है, ये हरियाणा की है, जम्मू की है, वो भी जम्मू की है, और मैक्सिमम गाड़ी जम्मू की है, बाकी की हरियाणा पंजाब दिल्ली। और एक टाटा मोबाइल भी सामने आई है, और पीछे देखो क्या मस्त पानी है भाई साहब। तेरे को बोलते हैं हम इधर नहा लेते थे, देखो तो एक गंदा पानी। ये पहुँच गए मंदिर के एंट्रेंस में, पता नहीं आगे कैमरा लेके जाने देंगे या नहीं। यहाँ तक तो आ गए हैं, लेके आगे लाइन काफ़ी बड़ी है, और पुलिस वाले देख रहे हैं, कुछ पता नहीं है मुझे अब आगे का क्या सिस्टम बनता है। ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बीच में बिल्कुल सामने, और ये मंदिर का फ्रंट व्यू है। पता नहीं अंदर कैमरा जाने देंगे, अगर गया तो अंदर का भी व्यू लेंगे, बट यहाँ पर जो है यहाँ की रौनक देख रहे हैं और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है।
पंकज से तू पत्थर ये है पंच की मंडी की मार्केट, यहाँ काफ़ी भीड़ लग रही है अभी और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, सामान समून खरीद रहे हैं और मेरे साथ जो तीन बंदे हैं उनको काफ़ी लगी है भूख तो वो लंगर की तरफ दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा वो जा रहे हैं चारों बेचारे। लंगर यहाँ से सामने ही है, दर्शन करके बाहर आ चुके हैं तो अब कुछ खाने को पिया जाए वो जुगाड़। भूख तो कभी मुझे भी बड़ी ज़्यादा लग रही है, मैं लंगर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। चलो ये लंगर है सामने, लंगर जब ने खाना ले लिया और ये पंकज, इसने एक जलेबी ली है, मैंने दो ली हैं, एक रजत है इसने भी ली है और इसने एक, ये थोड़ा शुगर फ्री वाले हैं बंदी हैं तो मैं शुगर रिच वाला बंदा हूँ तो चल जाती है मेरे लिए। आज कोई शुगर रिच नहीं है। क्यों आज चल रहा? आज घूमने आया हूँ, आज कोई डाइट की बात नहीं चल रही। रजत पंकज तू पंकज तो परहेज करता नहीं है। मान डाइटिंग है, मैं डाइटिंग पे हूँ। ये डाइटिंग भी, ये इतनी बड़ी जलेबी आधा किलो भी, ये प्रोटीन शेक की जलेबी होनी। चलो ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे तो बात करेंगे, पहले हम खाते हैं सुबह का, ये दोपहर के मान लो एक बार, अभी हम कहाँ गएंगे, बीच में रास्ते में कहीं रुकेंगे तो चाय पानी हो जाएगी, फिलहाल के लिए बस यही है खाने के लिए। और ये पंकज देखो भूखड़, ये सब की मेरे से ज़्यादा स्पीड देख लेना, मैं खाता रहूँगा और ये सारे खा चुके होंगे।